आप सबको मालूम है कि खराब मौसम में ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स इंटरनेशनल एलिमेंट्स फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और आजकल धुंध और स्मॉग की वजह से बीएसएफ ने भी स्पेशल सतर्कता अभियान चलाया हुआ था, जिसके चलते कल 4 नवंबर को जोधावाला और टेलीवाला बीओपी के बीच में जो सतर्कता अभियान चल रहा था उसमें हमें लगभग 2 kg के करीब हीरोइन मिली है। बाद में हमने फिर पुलिस के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करके सर्च अभियान चलाया, और अभी तक जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो चल रही है, और कुल मिला के टोटल जो कल का हुआ 2 kg है। और इसी तरह जलालाबाद क्षेत्र के अंदर भी फेंसिंग के उस पार लगभग 3 kg हेरोइन की बरामद हुई है, और आज तक कुल मिला के 5 kg का ये सीजर हुआ है। धन्यवाद। कौन कौन सी बटालियन की ओर से की गई है? 2 kg जो हुआ है वो 169 बटालियन फाजिलका में, और जो 3 kg का रिकवरी हुई है जलालाबाद में वो 2 बटालियन सीमा सुरक्षा बल की। और इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने की है करेंसी? जलालाबाद वाले में पाक करेंसी जो थी लगभग 630 रुपए है। कौन सी चौकी पर है ये पकड़ी गई? ये नौबेराम चौकी है जलालाबाद में। दबाई गई थी या किस तरह बरामद? कहीं दबाई गई है, कहीं फेंकी गई है, तो ये 5 kg टोटल है। तो करेंसी खुले में पड़ी थी या कोई बैग वगैरह में? करेंसी एक्चुअली उसके जो मिला है उसके साथ ही मिली है, छोटा सा कोई पर्स किसी का गिर गया होगा उसमें से मिली है। जैसे इस तरफ ये जानकारी मिली कि इस तरफ पाई गई है जो? नहीं, 2 kg, 2 kg जो है ये फेंसिंग के ऊपर से फेंका गया था। इस बरामद की संबंध अगली कार्रवाई क्या कर रही? अगली कार्रवाई चल रही है, उसके बारे में कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है।